हेलो स्टूडेंट्स हाउ यू होप यू ऑल आर डूइंग वेल ओके इन रिवीजन टाइम वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर ट्वेंटी टू रिवीजन सेकेंड ओके रिवीजन सेकेंड है या जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो हमने ये पढ़ चुका है उसी का रिवीजन सेकेंड है क्योंकि हमने रिवीजन फर्स्ट पढ़ चुके हैं ओके okay? चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है ए नंबर सर्कल आ सिंगुलर नाउन एंड अंडरलाइन आ प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओके okay? जो जिस इस इन सेंटेंस में जो भी सिंगुलर नाउन है उसमें हमें सर्कल करना है और जो प्लूरल नाउन है उस पर हमें अंडरलाइन करना है ओके स्टूडेंट्स ओके सो नाउ लेट्स फर्स्ट सेंटेंस देखिए सी बॉट फाइव न्यू ड्रेसेस सो ड्रेसेस क्या है ये प्लूरल नाउन है ओके सो सुनाओ नीचे आप इसमें अंडरलाइन कीजिए नेक्स्ट है द लेडीज वेयर Surprise to see the long trunk of the elephant. So now, ladies is a plural noun. Next, the children left the hall after the principal's speech. So now, children plural noun. Okay. Now, next, rewrite the following sentences, changing the underlined nouns from masculine to feminine gender, making other necessary changes. Okay. फर्स्ट है माय ब्रदर विल इनवाइट ऑल हिज नेफ्यूज तो यह देखिए ब्रदर क्या है ये मेस्क्यू लाइन है तो इसका फेमी हो जाएगा सिस्टर और नेफ्यूज का नाइस nice. ओके okay? तो यहाँ पर आ जाएगा माय सिस्टर विल इनवाइट ऑल हिज नाइसेस ओके स्टूडेंट तो आप इसे यहाँ पर रिराइट कीजिएगा नेक्स्ट हु इज द हीरो ऑफ दिस फिल्म सो इसका हम क्या लिखेंगे हीरो का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा हीरोइन तो हु इज द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म ओके नेक्स्ट है द टाइगर किल्ड द सन ऑफ अ मिल्क मैन तो टाइगर का 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 टाइग्रेस सन डॉटर मिल्क मिल्क मैन तो द टाइग्रेस किल्ड द डॉटर ऑफ अ मिल्क मिल्कमेंट ओके नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स गिव इन द ब्रैकेट्स नाउ फर्स्ट दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर रीड इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर आ जाएगा मोर इंटरेस्टिंग ओके नेक्स्ट है द स्ट्रीट इन आवर टाउन आर नेहरू तो यहाँ पर आएगा नैरो ही आएगा इसका एड्जेक्टिव फॉर्म ओके नाओ नेक्स्ट थर्ड नंबर मिस्टर कुमार इज द रिचेस्ट मैन इन आवर सोसाइटी बट ही इज असर तो रिच का रिचेस्ट आएगा ओके okay? क्योंकि वह सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिच है इसलिए ऑल सोसाइटी में हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आएगा रिचेस्ट नेक्स्ट है फोर नंबर पूजा इज द टॉलर ऑफ द टू टॉल टॉल टॉलर एंड टॉलेस्ट तो यहाँ पर आएगा टॉल ओके सॉरी टॉलर नेक्स्ट है सुनीता इज द लेजियस्ट गर्ल इन द क्लास तो लेजी यहां पर आएगा लेजिएस्ट okay? तो तो ओके नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द आर्टिकल हमें यूज़ करना है ओके फर्स्ट में आएगा द द आर्टिकल यूज़ होगा क्योंकि ये हॉली रिवर के लिए यूज़ किया जा रहा जो वर्ल्ड में एक ही है है ना फेमस चीज के लिए तो द गंगा इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया नेक्स्ट है द देयर आर सेवन डेज इन अ वीक यहाँ पर ए आएगा नेक्स्ट है संस्कृत इज नॉट एन इजी लैंग्वेज ओके

द पेंटर पेंट अ पिक्चर नाउ रिराइट द सेंटेंस देंटेडर ओके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स विच गिव इन इन द ब्रैकेट नाउ फर्स्ट रोहित एंड सॉरी मोहित एंड रोहित आर टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन अवर क्लास इज नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि रोहित एंड मोहित ये टू है यदि ओनली वन होते जैसे मोहित वर्ष तो यहां पर हम लिखते एस ओके बट ये क्लास के लिए यूज हो रहा है एक से ज्यादा के लिए तो यहां पर आर ओके नेक्स्ट है हाउ मैनी लैक्स डज एन एलिफेंट हैव ओके नेक्स्ट डज योर क्लास टीचर राइट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ओके स्टूडेंट सुनाओ यर होमवर्क नेक्स्ट करेक्ट वर्टलीस्ट रन फास्ट एंड एडजेक्टिव की तो इनमें से आपको जो भी करेक्ट है उस पर पुट करना है क्या टिक करना है ओके okay? नेक्स्ट वैसे ही है जहां पर आपको जरूरत हो पंचुएशन मार्क्स की फुल स्टॉप की है ना वहां पर आप यूज करेंगे और कैपिटल लेटर के इन सेंटेंस को रीड करने के बाद ओके okay, स्वयं सुनाओ यार होमवर्क ओके बाय बाय हैव अ गुड डे